अभी आप फेसबुक देख लें, ट्विटर खोल लें, हत्ता के आप किसी भी महफिल में चले जाएं, हर बंदा हर जगह एक ही बात कर रहा है और वो है क्रिप्टो। और इसकी वजह से मुझ जैसा बंदा जिसको कख कुछ नहीं पता इसके बारे में, वो एक अजीबोगरीब परेशानी का शिकार हो जाता है। मतलब ये फील होने लगता है, यार क्या वाकई मैं बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा हूँ? क्या ऐसा ही होगा कि कुछ अरसे बाद मैं सड़कों पे आ जाऊंगा और बाकी जितने लोग जो क्रिप्टो कर रहे हैं वो इलॉन मस्क के साथ मार्स पे पार्टी कर रहे होंगे? और ये सवाल मुझे हद से ज़्यादा इसलिए भी परेशान करता है कि इसकी माजी में मैंने बहुत मिसालें देखी हैं। और मैं क्या, हम सब ने ही अपने किसी ना किसी बुजुर्ग को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि यार फला इलाके में ना आज से 20 साल पहले 50,000 का प्लॉट मिल रहा था, हमने नहीं लिया, आज वो 3 करोड़ का है। तो मुझे भी यही फील होता है कि आप मेरे बारे में मेरे आगे आने वाले यही बात कर रहे होंगे कि यार काश अब्बा ने बिटकॉइन में पैसे लगा दिए होते तो आज हमारी भी अपनी एक स्पेसशिप होती। गुज़िश्ता 3 सालों में मैंने दिन रात मेहनत करके अपना वीडियोग्राफी का काम जो है उसको सेट किया है और अब जाके वो इस काबिल हुआ है कि मैंने उसका फल खाना शुरू किया है। तो क्या मैं उस सबको छोड़ के अब क्रिप्टो करेंसी में लग जाऊँ? और ये सवाल मुझ जैसे कई जहनों में आता है जो बहुत अरसे से अपनी अपनी फील्ड में लगे हुए हैं और किसी ना किसी काम में महारत हासिल करके उस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। उन सब के जहनों में ये ख्याल आता है, खुसूसन उस वक्त जब हम फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट देखते हैं जिसके अंदर एक बंदे ने लिखा होता है कि मैंने फलाना कॉइन 1 महीने पहले 10 रुपये का ख़रीदा था, आज वो 500 रुपये का हो गया। तो उस वक्त ये जहन में ख्याल आता है, यार अगर मैंने उस 1 महीने पहले इस कॉइन के अंदर 10,000 रुपये लगाए होते तो आज तो 5 लाख रुपये हो चुके होते। लेकिन फिर मैंने ये सोचा, क्या मेरे अंदर इतना स्टैमिना है कि मैं सारा दिन बैठ के एक लकीर को ऊपर नीचे होता हुआ देखता रहूं और उसके अंदर मेरा सारा सरमाया लगा हुआ कि वो ऊपर गई तो वारे नहीं आ रहे, नीचे गई तो कहानी ख़त्म। और मैं देख भी लूं अगर मुझे इसके बहुत सारे पैसे मिल लूं, लेकिन मेरे पास क्या इतनी मालूमात हैं कि मैं सही तरीके से सही चीज़ पे पैसे लगाऊं और वो मेरे पैसे वापस आ जाएं? तो अब इसके 2 हल हैं। एक तो ये कि जो आजकल बहुत सारे फेसबुक के ऊपर गुरु बने हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जिसके अंदर वो आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता रहे होते हैं, आप उनको अपना गुरु मान लें, वो आपको जहां कहें पैसे लगा दें, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारी कोई गारंटी नहीं, अगर आपके पैसे डूब गए तो डूब गए, और अगर आपको अपने पैसे इतने प्यारे हैं तो बाहर जाके रियल वर्ल्ड में इन्वेस्ट करें। यहाँ जो वर्ल्ड है ना काबिले गौर, वो है रियल वर्ल्ड। और देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि किसी भी कारोबार में उस वक्त तक पूरे हरगिज ना घुसें जब तक आपको उसका अलिफ से ये तक कोर ना पता हो। तो फिर ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया कि मैं किसी गुरु के पीछे जाऊंगा, अगर मुझे करना है तो मुझे खुद सीखना होगा, और जब सीखना होगा तो फिर इसके अंदर नए सिरे से उतर के इसकी एक एक चीज़ देखनी होगी, मार्केट क्या होती है, कॉइन क्या होता है, सिग्नल क्या होते हैं, इसके अंदर पैसे लगा के डुबाने पड़ेंगे, तजर्बे करने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके मैं काबिल हूँगा कि मैं भी क्रिप्टो से पैसे कमाऊँ। लेकिन अगर मुझे एक चीज़ नए सिरे से सीख के एक नई इंडस्ट्री में आना है तो इससे अच्छा ये नहीं है कि जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ इतने सालों से मैं उसी के अंदर वो तवानाई लगा दूँ, मैं उसी काम के अंदर मेहनत और वक्त लगा के उसी काम में ज़्यादा तरक्की कर लूँ। तो मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि क्रिप्टो का काम उनके लिए तो अच्छा है जो कि जॉब कर रहे हैं और साइड में छोटा मोटा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये काम मेरे और उन जैसे लोगों के लिए नहीं है जिनके अपने एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं जिनके अंदर वो टाइम दे रहे हैं। मैं क्रिप्टो को सही या गलत कहने की पोजीशन में तो हरगिज़ नहीं हूँ क्योंकि अभी ये काम मैंने खुद नहीं किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बेशक क्रिप्टो के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ इररेलीवेंट हो जाएंगी। खाएंगे पियेंगे भी तो लोग, कुछ पहनेंगे भी तो सही, क्रिप्टो से जो पैसे कमा रहे हैं वो कम से कम कहीं ना कहीं खर्च तो करेंगे। तो मेरे जैसे जितने लोग हैं वो उनको चाहिए कि वो अपने काम में और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आज हम पैसों में कमा रहे हैं, फिर ये क्रिप्टो करेंसी वाले क्रिप्टो में कमाएंगे तो फिर हम इनसे क्रिप्टो में चार्ज करेंगे, तो टेंशन नहीं है। ये वीडियो बेसिकली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि मेरे जैसे हैं, जो इस सारे क्रिप्टो के शोर के अंदर अपने आप को बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। तो भाई दिल छोटा मत करें, बिजनेसेस के अंदर ना ये इस तरह की रंगीन डिस्ट्रैक्शंस हर 10 साल में कोई एक ना एक आती है। आज क्रिप्टो है, आज से 10 साल पहले MLM मार्केटिंग थी, उससे 10 साल पहले .com का बूम था, उससे 10 साल पहले लोग शेयर्स के अंदर लगे हुए थे, तो ये डिस्ट्रैक्शंस तो आती रहेंगी। और आखिर में मैं अपने उन दोस्तों से बात करूंगा जो कि इस वक्त क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपको बहुत ज़्यादा दे, अल्लाह मियाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा बरकत दे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के इस तरफ और इस तरफ भी थोड़ी सी दुनिया है, तो जब भी आप किसी महफिल में लोगों के साथ बैठे हो ना तो खुदा के लिए क्रिप्टो के अलावा भी कोई और बात कर लिया करें, हर वक्त इलॉन मस्क और बिटकॉइन के फजाइल ना गिनवाते रहा करें।
मेरा दोस्त कलंदर है, उसने भी अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी एंट्री मारी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता है वो बहुत जल्द कोई ना कोई बहुत खूबसूरत भंड मारेगा और मैं उस भंड की स्टोरी बना के आपको सुनाऊंगा। तो अगर आपको ये नहीं पता कि कलंदर कौन है तो यहाँ पे मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो को देख के आपको पता चलेगा वो कितनी बड़ी फिल्म है। और यहाँ पे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए